गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर, जिसमें अपना लेसन चल रहा था, जो 13वां लेसन अपन ने शुरू किया था कल, औषधीय पौधों की सामान्य जानकारी एवं उपयोगिता के बारे में। ठीक है, अब उसमें अपन ने देखिए कौन कौन से पौधे जिनसे दवाइयां बनती हैं वो पढ़ लिया था। तो पहले सबसे पहले अपन ने तुलसी पढ़ी थी, उसके बाद अपन ने सफेद मूसली पढ़ी थी और सनाई हमने पढ़ा था। सनाई की सामान्य जानकारी अपन ने प्राप्त की थी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, सनाई का जो औषधीय महत्व क्या क्या है वो देखते हैं अपन। तो सनाई के औषधीय महत्व आगे लेके चलते हैं। सनाई के औषधीय महत्व, सनाई के औषधीय महत्व को आगे लेके चलते हैं। देखिए, इसकी पत्तियों व कलियों में क्या पाया जाता है? सेनेमाइड पाया जाता है। ठीक है, जिससे दवाइयां बनाई जाती है, जिसका उपयोग औषधि निर्माण में अपन करते हैं। इसकी पत्तियों और कलियों में क्या? सेनेमाइड पाया जाता है। ठीक है, इसकी पत्तियों, इसकी पत्तियों व कलियों में क्या पाया जाता है? सेनेमाइड। सेनेमाइड पाया जाता है, जिसका उपयोग जिसका उपयोग औषधि निर्माण में करते हैं। जिसका उपयोग हम कैसे करते हैं? दवाई बनाने में, औषधि निर्माण में करते हैं। ठीक है, कई जो कवकनाशक जो कब्जनाशक चूर्ण होते हैं वो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कई प्रकार के कब्जनाशक चूर्ण में चनाई की सनाई की पत्तियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, कई प्रकार के कब्जनाशक चूर्ण बनाने में सनाई की पत्तियों का उपयोग करते हैं। कई प्रकार के कब्जनाशक चूर्ण बनाने में सनाई की पत्तियों का अपन उपयोग करते हैं। ठीक है, इस पौधे से जो प्राप्त सनाई के पौधे से प्राप्त जो राल रेजिन होता है, ठीक है, का रेजिन का देखिए, इजिकल असाकदूस यूनानी दवाई है, यूनानी दवाई का नाम है इजिकल, इजिकल असाकदूस यूनानी दवाई बनाने में इस पौधे की राल या रेजिन का उपयोग करते हैं। ठीक है, दवा बनाने में करते हैं। जो दवा क्या काम करती है? ये मस्तिष्क और पेट से क्या करती है? लसीले पदार्थ निकालने का कार्य करती है, निकालने में उपयोगी करते हैं। ठीक है, इस पौधे की राल या रेजिन का इजिकल असाकदूस, इजिकल असाकदूस नामक यूनानी दवाई बनाने में उपयोग करते हैं, यूनानी दवाई बनाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसका मस्तिष्क व पेट से लसीले पदार्थ निकालने में उपयोग
करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका चूर्ण तथा जो पाउडर होता, सॉरी इसका जूस व पाउडर कैंसर व ट्यूमर के उपयोग में करते हैं। ठीक से कैंसर के लिए उपयोग करते हैं, इसका जो जूस और पाउडर होता है उसका कैंसर और ट्यूमर यानी गांठे जो होती है उनके उपचार में उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके जूस व पाउडर का उपयोग कैंसर व ट्यूमर के लिए करते हैं, कैंसर व ट्यूमर के लिए इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके बीजों को अमलतास के साथ पीसकर, त्वचा पर उपस्थित रिंग वर्म, ठीक है, त्वचा पर उपस्थित जो रिंग वर्म होता है, ठीक है, के उपचार हेतु उपयोग में करते हैं। इसके जो बीज होते हैं उसको किसके साथ पीसना है, अमलतास के साथ। ठीक है, अमलतास से पीसकर त्वचा पर जो रिंग वर्म होते हैं, कई सारे धब्बे टाइप होते हैं, ठीक है, उनको उपचार में उपयोग करते हैं। इसके बीजों को अमलतास के साथ पीसकर त्वचा पर रिंग वर्म के उपचार के लिए उपयोग करते, रिंगवर्म के उपचार के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, सनाई का सेवन करने के बाद, ठीक है, 6 से 10 घंटे के अंदर रेचन क्रिया पूरी हो जाती है। इसके जो पाचन की रेचन की जो क्रिया होती है वो जैसे ही अपन ने उपयोग किया, सेवन किया, खाया, उसके 6 से 10 घंटे बाद इसकी रेचन क्रिया पूरी हो जाती है। सनाई के सेवन करने के बाद 6 से 10 घंटों में रेचन क्रिया पूरी हो जाती है। रेचन क्रिया क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। ठीक है, रेचन क्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सनाई के जो औषधीय महत्व होते हैं अपन ने पढ़े हैं। ठीक है, आगे अपन देखते हैं नया पौधा गिलोय। गिलोय क्या होता है, गिलोय के औषधि महत्व क्या है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, इधर ही करते हैं। देखिए गिलोय की चर्चा करें अपन, तो गिलोय का देखिए प्रचलित नाम गुड़ची या गिलोय होता है। इसका जो प्रचलित नाम है, ठीक है, जिसके नाम से जाना जाता है, ये प्रचलित नाम गुड़ची गिलोय, इन दो नामों से ये ज्यादा जाना जाता है गिलोय। ठीक है, वानस्पतिक नाम क्या है इसका, टिनोस्पेरा कार्डी कार्डिकोफोलिया एल। ठीक है, वानस्पतिक नाम क्या है इसका, वानस्पतिक नाम टीनोस्पोरा कार्डिकोफोलिया एल, ये इसका वानस्पतिक नाम है। ठीक है, फिर देखिए कुल है मैनिया परमियसी, इसका कुल का नाम है, कुल मैनिया परमियसी, ये इसके कुल का नाम है। ठीक है, मैनिया परमियसी, ठीक है,
आयुर्वेद में इसे ज्वर की उपयोगी औषधि मानकर जीवंत नाम दिया गया, जीवंती नाम दिया। आयुर्वेद के अंदर इसको ज्वर की उपयोगी, तो बुखार होता है उसके लिए उपयोगी जो औषधि दवाई मानकर इसको जीवंती नाम दिया गया है। ठीक है, आयुर्वेद में इसे ज्वर की उपयोगी औषधि मान कर जीवंती नाम दिया गया, जीवंती नाम दिया गया है। ठीक है, अमृत के समान गुणकारी होने के कारण, ये अमृत के समान गुणकारी होने के कारण अमृता नाम से भी इसे जाना जाता है। अमृत के समान इसको गुणकारी माना जाता है, इसलिए इसको अमृता नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अमृत के समान गुणकारी होने के कारण इसे अमृता नाम से जाना जाता है। अमृत के समान गुणकारी होने के कारण इसे अमृता नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिंदी में गिलोय कहते हैं इसको, अंग्रेजी में इसको टीनो स्पोरा और लैटिन में टीनो टीनो स्पोरा कार्डिको फोलिया कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको देखिए गिलोय, हिंदी भाषा में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में गिलोय, अंग्रेजी में टीनोस्पोरा टीनोस्पोरा तथा जो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा में इसे लैटिन भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है, लैटिन भाषा में इसे टीनोस्पोरा कार्डिको फोलिया नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसके पत्ते पान के समान 2 से 4 इंच के घेरे में गोलाकार और नुकीले होते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वो पान के समान, जैसे पान अपन बनाते हुए देखा होगा आपकी दुकान, आपने दुकानों पर इतना बड़ा वो पान होता है, तो 2 से 4 इंच घेरे में गोलाकार नुकीला चिकना पतले 7 से 9 सिराओं वाला, पतला होता है चिकना होता है 7 से 9 सिराओं वाला होता है। ठीक है, और 1 से 3 इंच लंबी पर्णवंश से युक्त होता है और उसमें पर्ण व्रंथ पाया जाता है, उस पत्ते के नीचे की तरफ एक डंठल पाया जाता है। ठीक है, वो 1 से 3 इंच का होता है, 1 से 3 इंच पर्णवंश युक्त होता है। ठीक है, इसके पत्ते, इसके जो पत्ते पान के समान 2 से 4 इंच के घेरे में गोलाकार नुकीले चिकने पतले ठीक है, चिकने पतले 7 से 9 सिराओं युक्त एवं 1 से 3 इंच लंबे पर्णवंत से युक्त होते हैं, पतले 7 से 9 सिराओं युक्त एवं 1 से 3 इंच पर्णव्रंथ युक्त
होते पर्णवंत युक्त होते हैं। ठीक है, पर्णवंत युक्त होते हैं। ठीक है, देखिए इसके फल मटर के समान होते हैं। इसके फल क्या होते हैं? मटर के समान होते हैं और पकने पर लाल हो जाते हैं। ठीक है, इसके जो फल होते हैं वो मटर के समान, सॉरी फूल मटर के समान होते हैं और पकने पर क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं, अर्थात लाल कलर के हो जाते हैं। फूल मटर के समान और लाल हो जाते हैं। ठीक है, तथा बीज कुछ टेढ़े और चिकने होते हैं। इसके बीज जो होते हैं वो कुछ टेढ़े और चिकने होते हैं। ठीक, तो देखिए इसके फूल मटर के समान होते हैं तथा पकने पर लाल हो जाते हैं तथा बीज, इसके जो बीज होते हैं वो बीज टेढ़े तथा चिकने होते हैं, चिकने होते हैं, टेढ़े और चिकने होते हैं। ठीक है, टेढ़े और चिकने होते हैं। ठीक है, देखिए ताजी एवं हरी गिलोय अधिक लाभप्रद होती है। जो ताजी और हरी रंग की गिलोय होती है वो ज्यादा लाभप्रद होती है। ठीक है, गर्मी के मई माह में अंत में इसका संग्रह करना चाहिए। इसका संग्रह गर्मी के मई माह के अंत में करना चाहिए। गर्मी आती है तो मई का एंडिंग टाइम होता है, मई महीने का, उस समय इसको तोड़कर हमें संग्रह इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, ताजी व हरी गिलोय अधिक लाभप्रद है। ताजी व हरी गिलोय अधिक लाभप्रद है। ठीक है, गर्मी में मई के अंत में इसका संग्रह करना चाहिए। गर्मी में मई के अंत में इसका क्या करना चाहिए? हमें संग्रह करना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। फिर पढ़ते हैं गिलोय के औषधीय महत्व। या गिलोय के उपयोग देखिए, गिलोय के उपयोग की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए गिलोय के उपयोग, देखिए गिलोय का उपयोग आयुर्वेद के अनुसार जो गिलोय होता है वो कटु होता है, कड़वा होता है, कटु तिक्त यानी तीखा होता है, कटु तिक्त तथा कसाप रस युक्त एवं विपाक में मधुर रस युक्त रसायन होते हैं। तो इसको पहले अपन लिखते चलते हैं। देखिए आयुर्वेद में गिलोय कटु तिक्त यानी तीखा, तिक्त तथा कसाब रस युक्त होता है। कसाब रस युक्त एवं विपाक में मधुर रस युक्त रसायन, विपाक में मधुर रस युक्त रसायन संग्राही होता है। ठीक है, संग्राही
उष्ण वीर्य, ठीक है, वीर्य की गर्मी के उपयोग में, ठीक है, लघु बल कारक अग्नि दीपक लघु बल कारक ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। फिर है अग्नि दीपक, अग्नि दीपक, अग्नि दीपक तथा त्रिदोष आम तृष्णा तथा त्रिदोष आम तृष्णा, आम तृष्णा दाह प्रमेह, दाह प्रमेह, दाह प्रमाह, प्रमेह कास पांडु रोग, प्रमेह कास पांडु रोग, पांडु रोग, कामला कुंठ, कामला कुंठ, कामला कुंठ, ठीक है। वात रक्त ज्वर व वमी को दूर करती है, कुंठ वात रक्त, वात रक्त ज्वर और वमी यानी उल्टी, जो मन जी मतलाता है उसको दूर करती है, वमी को दूर करती है, वमी को दूर करती है, ठीक है। आचार्य चरक ने गिलोय को क्या कहा है, गिलोय को वातहर कहा है, अर्थात जो गले में श्वास के कारण जो बीमारियां होती है उसको भी बीमारियों को हरने वाला कहा है, ठीक है। आचार्य चरक ने, आचार्य चरक ने गिलोय को वातहर कहा है, वातहर कहा था, ठीक है, वातहर माना है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने गिलोय को तिक्त रस युक्त तथा पेट कप सामक कहा है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है, आचार्य सुश्रुत ने गिलोय को क्या कहा है, गिलोय को तिक्त यानी तीखा, तिक्त रस युक्त, तिक्त रस युक्त तथा, तिक्त रस युक्त तथा पेट का सामक कहा है, तथा पेट कफ सामक कहा है, ठीक है, पेट कफ सामक कहा है। आचार्य वाग्भट के अनुसार यह प्रमेह मधुमेह तथा सुजाक की परम औषधि है। आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं, आचार्य वाग्भट के अनुसार यह, आचार्य वाग्भट के अनुसार यह प्रमेह मधुमेह, प्रमेह मधुमेह तथा सुजाक की तथा सुजाक की परम सबसे श्रेष्ठ औषधि है, औषधि माना है, ठीक है, औषधि माना है। चक्रदत्त के अनुसार यह ज्वर कुष्ठ और ज्वर कुष्ठ और सलीपत की श्रेष्ठ औषधि, श्रेष्ठ औषध है। किसके अनुसार, चक्रदत्त के अनुसार, चक्रदत्त के अनुसार यह ज्वर कुष्ठ, ज्वर कुष्ठ तथा सलीपद की श्रेष्ठ औषध है, सलीपद की श्रेष्ठ औषध है, श्रेष्ठ औषध है, ठीक है। सलीपद की क्या है, यह श्रेष्ठ औषध है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे गिलोय के उपयोग, ठीक है। अब इसबगोल की चर्चा करते हैं अपन, इसबगोल में क्या होता है, देखिए
इसबगोल अपने कई बार कही क्या हर लगभग हर घर में ये मिलता है, ठीक है। देखिए इसबगोल इसबगोल की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसबगोल का वानस्पतिक नाम होता है प्लांटेगो ओवेटोफास्को, ठीक है। फास्क इसका वानस्पतिक नाम, देखिए वानस्पतिक नाम प्लांटेगो ओवेगो, प्लांटेगो ओवेगा ओवेटा फास्क ओवेटा फास्ट होता है, ठीक है। कुल होता है प्लांटेजिनेसी, कुल इसका है प्लांटेजिनेसी, कुल का नाम क्या है प्लांटेजिनेसी, इसके कुल का नाम है, ठीक है। मूल उत्पत्ति स्थान पश्चिमी एशिया है, इसका मूल उत्पत्ति स्थान किसे माना गया है, मूल उत्पत्ति स्थान एशिया है, एशिया जो है उसको मूल उत्पत्ति का स्थान माना गया है, ठीक है। कौन सा एशिया, सॉरी पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया माना है, ठीक है। पश्चिमी एशिया, ठीक है। इसका सर्वाधिक उत्पादक एवं निर्यातक देश है वो भारत है, भारत इसका क्या है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला तथा निर्यात करने वाला देश है। भारत पूरे विश्व में इसका सर्वाधिक उत्पादक एवं निर्यातक देश है, सर्वाधिक उत्पादक एवं निर्यातक देश है भारत देश का, ठीक है। राजस्थान के देखिए झालोर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर में इसकी खेती कर रहे हैं। राजस्थान में कहां कहां इसकी खेती कर रहे हैं, तो राजस्थान में झालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर तथा नागौर में इसकी खेती कर रहे हैं, नागौर में इसकी खेती कर रहे हैं, ठीक है। औषधीय उपयोग क्या है इसबगोल के, तो वो भी देख लेते हैं। औषधीय उपयोग इसबगोल के सामान्य जानकारी होगी, अब इससे कौन कौन सी दवाइयां या किस में कौन सी बीमारियों के रोगों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है या दवाइयां बनाई जाती है। इसबगोल के बीज व जो भूसी होती है, बीज और बीज के ऊपर का जो कवर होता है भूसी होती है, वो औषधि निर्माण में उपयोग करते हैं, ठीक है। इसबगोल के बीज एवं भूसी का औषधि निर्माण में उपयोग करते हैं, औषधि निर्माण में क्या करते हैं इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसबगोल की भूसी पुराने कब्ज, पुराना जो कब्ज होता है इसकी जो भूसी होती है इसबगोल की, वो पुराने कब्ज, अतिसार, पेट की सफाई, बवासीर, ठीक है, मूत्र स्थान व आव पेचिस आदि रोगों के उपचार में उपयोगी है। इसबगोल की जो भूसी होती है, इसबगोल की भूसी, इसबगोल की भूसी
पुराने कब्ज फूसी, पुराने कब्ज अतिसार, पुराने कब्ज अतिसार, पुराने कब्ज अतिसार, पेट की सफाई बवासीर मूत्र स्थान अतिसार, पेट की सफाई बवासीर मूत्र स्थान, मूत्र स्थान या संस्थान, मूत्र संस्थान, मूत्र स्थान की सफाई, मूत्र स्थान आव पेचिस आदि रोगों के उपचार में उपयोगी है। संस्थान आव पेचिस आदि रोगों के उपचार में उपयोगी है। आव पेचिस आदि रोगों के उपचार में क्या है, ये उपयोगी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे अपन देखते हैं इसका सौंदर्य प्रसाधन में भी उपयोग करते हैं, जो क्रीम और मेकअप के सामान होते हैं उनको बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। इसका सौंदर्य प्रसाधन में भी उपयोग करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में भी क्या करते हैं, इसका अपन उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका डाइंग डाइंग केलिको प्रिंटिंग व खाद्य प्रसंस्करण में भी उपयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट ले पहला, देखिए इस बोल का उपयोग और कहां करते हैं, इसका इसका डाइंग केलिको प्रिंटिंग, केलिको प्रिंटिंग, केलिको प्रिंटिंग व खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसबगोल का बचा छिलका प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है, इसबगोल का जो बचा हुआ छिलका होता है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है, जिसे मुर्गियों के आहार के रूप में उपयोग करते हैं। इस गोल का जो बचा हुआ छिलका होता है, इस गोल का बचा छिलका प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है, जिसका उपयोग अपन किसमें करते हैं, जिसका उपयोग मुर्गियों के आहार में करते हैं, मुर्गियों के आहार में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर देखिए हमारे इस अध्याय का जो आखिरी पौधा है और कंप्लीट हो जाएगा आज अपने ये अध्याय भी, रतन जोत, नाम सुना होगा आपने, रतन जो छठा छह नंबर का जो पौधा है रतन जो, इसका देखिए वानस्पतिक नाम होता है जेट्रोपा कर्कस एल। ठीक है, वानस्पतिक नाम
जेट्रोपा कर्कस एल होता है, जेट्रोपा कर्कस एल इसका वानस्पतिक नाम है, कुल है यू फोर बी ए सी, इसके कुल का नाम होता है, कुल का नाम है यू यू फोर बी ए सी, कुल का नाम है यू फोर बी ए सी। उत्पत्ति देखिए उत्तर पश्चिम व मध्य भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति देखिए इसकी उत्पत्ति कहां बताई गई है, उत्तर पश्चिम व मध्य भारत अर्थात भारत में इसकी उत्पत्ति बताई गई है। ये तो उत्तर पश्चिम वाला, ठीक है, उत्तर पश्चिम वाला और एक अपना है यहां पर मध्य भारत। उपयोगी भाग इसका जो उपयोगी भाग है वो है ब्रिज, उपयोगी भाग है वो है बीज, बीज उपयोगी भाग है। नेक्स्ट देखिए अपना अगला देखिए, रतन जोत या जो जंगली अरंड एक जाड़ी नुमा 2 से 7 फीट ऊंचा औषधीय पादप है, ठीक है, वन औषधीय पादप है, ये जंगलों में पाया जाने वाला है, ठीक है। तो रतन जोत या जंगली अरंड, रतन जोत या जंगली अरंड, जंगली अरंड एक जाड़ी नुमा, एक जाड़ी नुमा 2 से 7 फीट 2 से 7 फुट का ऊंचा वन औषधीय, वन औषधीय पौधा है, वन औषधीय पौधा है, ठीक है, वन औषधीय पौधा है, ठीक है। साधारणतया जो पड़त भूमि एवं कृषि भूमि के चारों ओर बाढ़ के रूप में पाया जाता है, जो पड़त भूमि या कृषि भूमि होती है उसके चारों ओर बाढ़ के रूप में ये पाया जाता है, ये पौधा पाया जाता है। साधारणतया पड़त भूमि या कृषि भूमि के चारों ओर बाढ़ के रूप में पाया जाता है, बाढ़ के रूप में यह पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें पाया जाने वाला तत्व कैंसर प्रतिरोधक क्षमता वाला होता है, ठीक है, इसमें जो तत्व पाया जाता है वो कैंसर के प्रति लड़ने की क्षमता या कैंसर प्रतिरोधकता वाला होता है, इसमें पाया जाने वाला तत्व कैंसर प्रतिरोधक क्षमता वाला होता है, कैंसर प्रतिरोधक क्षमता रखता है, इसमें पाया जाने वाला जो तत्व है वो कैंसर प्रतिरोधक क्षमता रखता है, ठीक है। बीजों द्वारा जो प्राप्त तेल का उपयोग दाद खुजली गठिया, दाद खुजली गठिया, ठीक है, लकवा में उपयोगी है, ठीक है। बीजों से प्राप्त तेल दाद खुजली लकवा व गठिया में उपयोगी है, गठिया में क्या है, उपयोगी है, ठीक है। पत्तों के स्वरस का उपयोग बवासीर, पत्तों का जो रस होता है उसका उपयोग बवासीर तथा उदर संबंधी रोगों में करते हैं, पत्तों के स्वरस का उपयोग बवासीर तथा उदर संबंधी रोगों में करते हैं, उदर संबंधी रोगों में या बवासीर में इसके पत्तियों के रस का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
सौंदर्य प्रसाधन साबुन बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन में रंगाई पशु आहार कुकुट यानी मुर्गियों का आहार, कीटनाशक बनाने में इसके कच्चे पदार्थ का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए सौंदर्य प्रसाधन साबुन बनाने सौंदर्य प्रसाधन साबुन बनाने रंगाई पशु आहार कुक्कुट आहार मुर्गियों का जो आहार होता है कुक्कुट आहार व कीटनाशक बनाने में व कीटनाशक बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में करते हैं ठीक है। इसके बीजों के तेल को जैविक ईंधन बायोडीजल के रूप में काम में लेते हैं। रतन जोत के बीजों का तेल को इंपोर्टेंट चीज और नॉट बना के आप इसको लिखिए लास्ट लाइन को हमारे। इसके बीजों के तेल को क्या करते हैं बायोडीजल या जैविक ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके बीजों के तेल को जैविक ईंधन बायो डीजल के रूप में उपयोग करते हैं इसी के साथ हमारा यह अध्याय खत्म होता है। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। उम्मीद करता हूं हमने ये दो दिन में जो अध्याय पढ़ा है औषधि पादपों की सामान्य जानकारी और उपयोगिता वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।